नमस्कार, मैं आपकी योगाचार नमिता आज आपको प्राण मुद्रा के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। आज 21 जून जो है ये योग दिवस के रूप में जाना जाता है, और इसी योग के कारण पूज्य ये भारत है हमारा, वो योग गुरु के द्वारा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। और इस योग ने इस कोरोना काल में बहुत हेल्प की है, और ये योग सिर्फ इस कोरोना काल में नहीं, हमारे बहुत ही प्राचीन काल से हमारे साथ है। योग अनादि और अनंत है, अर्थात ये टाइमलेस है, ये कब से है हमारे जीवन में इसको किसी को पता नहीं था। हाँ, बीच में इसके बारे में लोगों को मिथ बहुत से थे कि इसे सिर्फ बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसे सुबह ही कर सकते, पर ऐसा नहीं, इसे जब चाहे आप तब कर सकते हैं। और सिर्फ वो इसमें थोड़ा सा आपको अपने खाली पेट का ध्यान देना पड़ता है कि आप इसे जस्ट आफ्टर मील नहीं करना है। ये छोटे छोटे से प्रिकॉशंस मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और हस्त मुद्रा बताऊंगी। मेरे हस्त मुद्रा के ऑलरेडी 2 वीडियोज हैं, उनको जरूर देखिएगा आप। आज मैं आपको प्राण मुद्रा के बारे में बताऊंगी। प्राण मुद्रा इसलिए मैंने चूज किया आज के दिन क्योंकि ये योग दिवस के लोग ही और इम्पोर्टेंट बता देता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मुद्रा है प्राण मुद्रा। अपने थंब फिंगर को, जो आपकी फिंगर्स, मैंने हमेशा बताया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 5 तत्वों का अलग अलग हमारे फिंगर्स के थ्रू हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो हमारी एनर्जीज है वो हमारे फिंगर्स के टिप पर है। तो प्राण मुद्रा की हम बात करेंगे। ये आपका जो थंब है, और जो आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हुई प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा का क्या बेनिफिट है? इस मुद्रा से आपके अंदर एनर्जी, जब आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही हो, बहुत ही रेस्टलेस फील हो रहा हो, तो आप प्राण मुद्रा में 5 से 10 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। और जब आप व्रत भी रहते हैं, कई लोग, बहुत से लोग इसे डाइटिंग के लिए, मतलब अपनी डाइट कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। रीज़न इसका ये है कि प्राण मुद्रा का रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी जो भूख और प्यास है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि इस मुद्रा के थ्रू एनर्जी फ्लो आपके अंदर बढ़ जाता है। जो एनर्जी फ्लो, एनर्जी कंजर्वेशन, वो बढ़ जाता है। इसलिए कई लोग इसे जब ब्रेथ होते, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते थे, जब ब्रेथ का समय होता था, जब भूख लगे प्यास लगे, इसे ज़रूर ट्राई करके भी आप देखिएगा, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसको करने से आपके अंदर भूख और प्यास की भी जो इच्छा है वो भी कम हो जाती है, इसलिए इसे ज़रूर करें। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जब भी आप रेस्टलेस फील करें, सुकून से कहीं 10 मिनट बैठ जाएं और अपना ध्यान पूरी सांसों पर इस तरह से प्राण मुद्रा बनाएं। थैंक यू, मैं आपकी योगाचार्य नमिता। अगर आपका आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। वंस अगेन, हैप्पी योग डे।